हिमसा है, फर्स्ट टाइम है दिल्ली में। वन आवर ऐसा ही हमें खरड़ी हो जाते हैं हम, ये हमारी ही पहचान है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहले हमने आपको बिहार उत्सव से बिहार की जो पूरी खूबसूरती है वो दिखाया था। आज हम ओडिशा पर्व पर मौजूद है, जो उसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। 3 दिन तक चलने वाला ये आयोजन, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ओडिशा का पूरा कल्चर यहाँ पर दिखाया गया है। नृत्य आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से लोग जो है ओडिशा का जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, उस पर परफॉर्म किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि ओडिशा में क्या चीजें प्रसिद्ध है, जैसे कि जगन्नाथपुरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ओडिशा में, जिसकी काफी तारीफें की जाती है, जो ना सिर्फ ओडिशा में बल्कि पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा ओडिशा का जो सबसे प्रसिद्ध डांस है, यानी कि नृत्य जिसे कहा जाता है आदिवासी ट्राइब्स का जो डांस होता है, आदिवासी ट्राइब्स भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा ट्राइब वहाँ पर मौजूद है और उनका भी लोक डांस चल रहा है। यहाँ देखिए लोग जो है ओडिशा का लोक नृत्य परफॉर्म कर रहे हैं, कितना खूबसूरत ये मंजर है। इसके साथ ही मैं आपको ओडिशा का पूरा जो है वो दर्शन कराऊंगी और उसकी खूबसूरती से भी आपको रूबरू कराऊंगी। जो आप मेरे सामने देख सकते हैं इसे कहते हैं ओडिशा का घोड़ा नाच, जो ओडिशा में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे आप ओडिशा के जो लोग हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े भी इसके साथ में बज रहे हैं और कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से ही जो है डांस कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये कितनी मेहनत लगती है इसमें आपको, पूरा आपको ये पैर पैर फिरते हैं इनके, और जो है वो पूरे घोड़े का इन्होंने रूप रखा है और पैर जो है वो एक साथ लग रहे हैं लोगों के एक ही बीट पर, उसके साथ भी जो है वो ढोल नगाड़े भी साथ में बजाते हुए ये आपको नजर आ रहे हैं। तो जो आप मेरे साथ लोग देख सकते हैं ये ओडिशा का ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि आदिवासी ग्रुप है, जो कहा जाता है आदिवासी डांस जो है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है ओडिशा में। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं कि डांस फॉर्म क्या रहता है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग और कितना टाइम लगता है सीखने में, क्या कुछ है इसमें मुझे प्लीज बताइए। नमस्ते, हम रायगढ़ से आए हैं ओडिशा से। ये हमारा डांस ढेमसा है, जहाँ के यंगस्टर्स जो हमारे गांव के यंगस्टर्स होते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम में हम हमारे मनोरंजन, हमारे ये एक रिचुअल के टाइप है कि पूजा पर्व के टाइम में हम ये सब सेलिब्रेट करते हैं, सब मिल बांट के हम डांस करते हैं। हमारे जितने भी आदिवासी जो हमें मर गए पूर्व पुरुष को हम याद करके हम सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अच्छा, मतलब ये एक जो आपने कहा थेमसा, मैंने अगर सही सुना थेमसा डांस है, ये आप लोगों का पूरा ग्रुप है, मतलब आप लोग और भी जगह परफॉर्म करते हैं? हाँ, हम बहुत जगह परफॉर्म किए हैं। हम अभी ये हमारा फर्स्ट टाइम है दिल्ली में। हम ट्राइबल फेस्टिवल गए थे छत्तीसगढ़ में जो हुआ था, और हम बाहर भी परफॉर्म किए हैं, पर ये हमारा एक ट्रेडिशनल डांस है, जो कि हम हमारे यंगस्टर्स हमारे जो मतलब परंपरा को बचाए रखने के लिए हमारा एक प्रतिष्ठा है कि हम ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएं। ये जो पोशाक रहती है, यही पूरी थेम्पा डांस की है, जो पूरी पोशाक है यही पहन के आप लोग हमेशा करते हैं और क्या? ये हमारे जितने भी दादा दादी नाना नानी सब बड़े बड़े हैं, ये हर वक्त ऐसे ही पहन के रहते हैं विद फुल ऑर्नामेंट्स, ये नेक का और ये बालियां, हाथ का भी हर वक्त पहन के रहते हैं। ये सब मैं चीजें से देख सकती हूँ, आप सबने ये मालाएं पहनी हुई है, इसको क्या कहते हैं और क्या ये ट्राइबल ग्रुप की पहचान है? ये हाँ, ये सोरसो माली बोलते हैं, ये हमारी ही पहचान है, ये हमारे दादा दादी लोग अपने हाथ से बनाई है ये सबको, ये सोरसो माली बोलते हैं, ये सब हम हर वक्त पहन के रहते हैं। आप लोग हर वक्त पहन के रखते हैं? अच्छा, आप बताइए ये आपने क्यों पहना है और इसकी क्या पहचान है? आपने भी मैंने देखा है लड़कियों की तरह आपने भी ये पहना हुआ है, क्या पहचान है? ये नाकोरो डौणी बोलते हैं, नाकोरो डौणी डौणी बोलते हैं। हम लड़कियां 3-3 लगाते हैं, लड़के भी लगाते हैं, हमारे यहाँ लड़के अपना हेयर रखते हैं इतना इतना, जहाँ की आप देख सकते हैं पूरा पूरा हेयर रखते हैं। पीछे एक बार दिखा दीजिए, देखिए लड़कियों के तो बाल आपने देखे, देखिए
पुरुषों के भी बाल कहाँ कहाँ तक हैं, मतलब बहुत लंबाई होती है बालों की, तो क्या ये रखना जो है ये जरूरी है पुरुषों को भी? जरूरी, ये हमारा एक पारंपरिक है कि हम आदिवासी लोग ऐसे रखते हैं। आजकल के बच्चे जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो रखते नहीं, बाकी हमारे दादा दादी नाना नानी सब रखते हैं। अच्छा, आप लोग को कितना टाइम लगता है इस परफॉर्मेंस को तैयार करने में, इस नृत्य को तैयार करने में? ये तो हमें हैबिचुएट हो चुका है, 1 आवर ऐसे ही में खड़ी हो जाते हैं हम। 1 घंटे में आप लोग पूरा परफॉर्मेंस रेडी कर लेते हैं? हाँ, हमारा परफॉर्मेंस रेडी होता है। मुझे कुछ झलक दिखा दीजिए, अगर आप अपने डांस का कुछ झलक मुझे दिखा पाएं। हाँ, दिखाएंगे। तो ये मैंने बातचीत करी, पर मैं आपको इनका डांस भी जरूर दिखाऊंगी। तो देखिए, जो ट्राइबल ग्रुप है जिसे थेम्पा कहा जाता है, जैसा मैंने सुना थेम्पा डांस, ये आपको दिखाएंगे कैसे होता है और क्या कुछ करना होता है इसमें। ये आपको ये खूबसूरत नृत्य आपको आपके सामने आपके आपसे भी रूबरू कराते हैं इस डांस इनकी पेशकश को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।